কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे द्वारा आपके लिए कौन सा एक इनिशिएटिव लाया गया है, तो टॉप एमसीक्यू सीरीज। इस टॉप एमसीक्यू सीरीज में हम क्या करा रहे हैं, संपूर्ण सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपको एमसीक्यू के माध्यम से और एमसीक्यू में भी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्या कर रहे हैं, हम आपकी तैयारी सुनिश्चित करवा रहे हैं। इस क्रम में आपने देखा कि हम क्या कर चुके हैं अभी तक। हमारे पिछले वीडियो तक में हम छत्तीसगढ़ का जो नेचुरल जियोग्राफी, जो प्राकृतिक जियोग्राफी वाला पार्ट है, उसको कंप्लीट हम कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास से है। इस टॉपिक के बाद से या इसी टॉपिक से ही हम क्या करना शुरू करेंगे, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसका संपूर्ण अध्ययन करना शुरू करेंगे। लेकिन कैसे, तो एमसीक्यू के फॉर्म से। एमसीक्यू के बारे में फिर हम क्या करते हैं, तो एक डिटेल अध्ययन करते हैं। तो उसी फॉर्म में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक क्या है, पाषाण काल एवं वैदिक सभ्यता। मतलब पाषाण काल से लेकर वैदिक सभ्यता तक का जो भी घटनाक्रम है छत्तीसगढ़ में, उस विषय में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले, जैसा कि आपको पता है कि कंपटीशन कम्युनिटी क्या कर रहा है, आपके लिए इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लेकर आया है जिसके लिए हम लोग दिन रात क्या कर रहे हैं, आपकी तैयारी करवाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज क्या है, आप क्या कीजिए, बस हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करने के बाद उसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो और साथ ही आपके जो मित्रगण हैं उन तक भी क्या हो सके, ये वीडियो पहुँच सके। आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, पाषाण काल से वैदिक सभ्यता तक का छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, पाषाण काल किस कालीन सभ्यता है। ठीक, पाषाण काल जो है वो किस काल की सभ्यता है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्या बोल रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, ऐतिहासिक काल की सभ्यता है और पुरापाषाण कालीन सभ्यता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि जो पाषाण काल है ये किस काल की सभ्यता है। तो आपको पता है कि जो इतिहास है, चाहे आप भारत का इतिहास पढ़ें या सारे विश्व का इतिहास पढ़ें, तो इतिहास को क्या किया गया है, काल के हिसाब से तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका क्या, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पहला क्या, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आपका क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, पूरे इतिहास को काल के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। होता क्या है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन कालों के अंतर्गत किन किन सभ्यताओं को रखा जाता है और क्यों रखा जाता है, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके अंतर्गत ऐसी सभ्यताओं को रखा जाता है जिसके विषय में हमको क्या नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है, कोई भी अभिलेख या लिपि हमको प्राप्त नहीं होती। इसलिए ऐसी जितनी भी सभ्यताएं होती है इनको किस काल में रखा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। मतलब ऐसी सभ्यता जिसकी ना तो कोई लिखित लिपि या अभिलेख या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं,
उनको किस काल की सभ्यता में रखते हैं? हम प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता में रखते हैं। अब कोई लिखित लिपि या अभिलेख हमको प्राप्त हुए ही नहीं है तो हम उसको पढ़ भी नहीं सकते, है ना। प्राप्त ही नहीं हुए तो पढ़ोगे कहां से, नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी सारी सभ्यताएं जिसमें क्या है, किसी भी प्रकार से कोई भी लिखित अभिलेख या सोर्सेस हमको प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ऐसी सारी सभ्यताएं किस काल की सभ्यता कहलाएगी? प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहलाएगी। दूसरा आपका क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता, सॉरी ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल की जो सभ्यता है उसके अंतर्गत ऐसी सभ्यताओं को रखते हैं जिसमें लिखित अभिलेख लिपि या साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन उन अभिलेखों को उन लिपियों को हमारे द्वारा क्या नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसी सारी सभ्यताओं को किस काल में रखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम ऐसी सभ्यताओं को रखते हैं जिसमें लिखित अभिलेख या लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उन अभिलेखों या साक्ष्यों को हमारे द्वारा क्या कर लिया गया है, पूरी तरह से स्पष्ट रूप से पढ़ लिया गया है, उसका एक निश्चित अर्थ निकाला जा चुका है। ऐसी सारी सभ्यताओं को किसमें रखा जाता है, ऐतिहासिक काल की सभ्यता में रखा जाता है। समझ में आ गया इतना, ठीक। तो जो हमारा पाषाण काल है, वो प्राषाण काल जो है ये प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता आपकी, पाषाण काल की सभ्यता। मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं कि पाषाण काल में किसी भी प्रकार से कोई लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल में जो सभ्यता है आपकी पाषाण काल की सभ्यता, उसमें हमको क्या नहीं हुए हैं, किसी प्रकार से कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो पाषाण काल के जो जीवन था या उस समय के जितने भी लोग थे, जो आदि मानव थे, उनकी दिनचर्या के बारे में या उनके बारे में हमको पता कैसे चलता है, तो उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्तुएं, जहां पर वो निवास कर रहे थे वो शैलाश्रय रॉक शेल्टर्स, है ना, और उनके द्वारा उपयोग किए गए औजार रहे, और जिस जगह पर वो निवास कर रहे थे उस जगह पर उन्हीं औजारों से वो क्या कर रहे थे, कुछ कुछ चित्र उत्कीर्ण कर दे रहे थे। जैसे कि अगर वो शिकार कर रहे हैं तो शिकार करते हुए क्या कर दे रहे हैं, किसी भी एक व्यक्ति का या आदिमानव का चित्र वहां पर उत्कीर्ण कर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर वो किसी जंतु को देख रहे हैं, जैसे छिपकली देख रहे हैं, तो छिपकली का चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीजों से हमको क्या होता है, इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। तो इसी से संबंध में क्या कहा गया है, आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पाषाण काल किस कालीन सभ्यता है, ठीक। मतलब जो पाषाण काल है वो किस काल की सभ्यता है, तो अब आप आंसर लगा लेंगे किस काल की सभ्यता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। पाषाण काल किस काल की सभ्यता, तो प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, निम्न में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है, कौन सा जो स्थल है वो पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। अब देख लेते हैं पाषाण काल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो पाषाण काल है पाषाण काल को छत्तीसगढ़ में चार भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पाषाण काल को छत्तीसगढ़ में कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो चार भागों में विभाजित किया गया है। आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत आप पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित पाएंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या, पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है इसका साक्ष्य रायगढ़ के, पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य है वो रायगढ़ के सिंहनपुर गुफा और महानदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। सिंहनपुर गुफा
और महानदी घाटी। रायगढ़ के अंतर्गत कौन से दो जगह हैं? तो सिंघनपुर गुफा और महानदी घाटी क्षेत्र से हमको पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का साक्ष्य हमको रायगढ़ के ही कबरा पहाड़ से मिला है। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से हमको क्या मिला है? मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला है। इसके बाद है आपका उत्तर पाषाण काल या उच्च पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल का साक्ष्य, उत्तर पाषाण काल का जो एविडेंस है वो हमको गौरेला पेंड्रा मरवाही का धनपुर जिला, सॉरी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का धनपुर और रायगढ़ का सिंघनपुर गुफा, रायगढ़ का सिंघनपुर गुफा और महानदी घाटी, रायगढ़ का सिंघनपुर गुफा और महानदी घाटी से क्या हुआ है हमको उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिले। मतलब ये जो स्थल दिख रहे हैं आपको सिंघनपुर गुफा और महानदी घाटी, यहां से आपको उत्तर पाषाण काल और पूरा पाषाण काल दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमारा चौथा है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का साक्ष्य, नवपाषाण काल का साक्ष्य हमको बालोद जिले के अर्जुनी, बालोद जिले के अर्जुनी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का चितवा डोंगरी और रायगढ़ का टेरम, रायगढ़ का टेरम, यहां से हमको किसके साक्ष्य मिले हैं? नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। समझ में आ गया आपको? क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्न में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है। तो इसमें से आपने एक तो देख लिया था सिंघनपुर गुफा भी, तो सिंघनपुर जो गुफा है वो क्या है आपका? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा सोनबरसा, छापा मारा और एक जगह है आपका गिधा, ये सारे स्थल क्या है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। सिंघनपुर गुफा हो गया, महानदी घाटी आपने देख लिया था, इसके अलावा सोनबरसा, छापा मारा, गिधा, भंवर खोल, गिधा और भंवर खोल, ये सारे क्या है? पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल है। लेकिन यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक भातेवाड़ा, ये जो भातेवाड़ा है ये पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है। पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है भातेवाड़ा, भातेवाड़ा जो है ये मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल है। भातेवाड़ा के अलावा जितने भी आपको स्थल नजर आ रहे हैं आपके सोनबरसा, सिंघनपुर, छापा मारा, भंवर खोल, गिधा, ये सभी के सभी जो स्थल हैं वो रायगढ़ जिले में है। ठीक, कौन से जिले में है? तो रायगढ़ जिले में है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिंघनपुर गुफा, सिंघनपुर गुफा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सिंघनपुर गुफा के संबंध में कौन सा जो कथन है वो असत्य है ऐसा बोला जा रहा है आपको? पहला बोल रहा है इस गुफा से पूरा पाषाण काल एवं उच्च पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा बोल रहा है यह गुफा चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित है। तीसरा बोल रहा है जलपरी के शैल चित्र इस गुफा में है। चौथा बोल रहा है इस गुफा का मुख दक्षिण दिशा में है। तो जो आपका सिंघनपुर गुफा है, कौन सा गुफा है? सिंघनपुर गुफा, इसके संबंध में हम क्या करेंगे? सबसे पहले कथनों पर विचार करेंगे और कथनों पर विचार करने से पहले हम सिंघनपुर गुफा के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप क्या कीजिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। लगा लिया आपने आंसर? चलो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं सिंघनपुर गुफा के बारे में।
सिंघनपुर गुफा। सिंघनपुर की जो गुफा है इससे आपको किस किस काल की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो आपको आंसर देना है कि सिंघनपुर गुफा से हमको पूरा पाषाण काल और मध्य नहीं उच्च पाषाण काल का क्या हो रहा है, जानकारी प्राप्त हो रहा है। पूरा पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। कहां पर है सिंघनपुर गुफा का विस्तार, तो आप बताएंगे कि जो सिंघनपुर गुफा है ये रायगढ़ में चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, कौन से पहाड़ी पर स्थित है, तो चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, रायगढ़ के अंतर्गत कहाँ है ये, तो चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित है। चंवर ढाल की जो पहाड़ी है इसका विस्तार रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले में है, लेकिन जो सिंघनपुर की गुफा है वो चंवर ढाल पहाड़ी पर किस जिले में है, तो वो रायगढ़ जिले में है। साथ ही जो सिंघनपुर की गुफा है इसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भीम बेटका इस गुफा को कहा जाता है। गुफा का जो मुख है, जो फेस है वो कैसा है, तो इस गुफा का मुख दक्षिण मुखी है। कैसा है, दक्षिण मुखी है। इस गुफा का मुख कैसा है, तो इस गुफा का मुख दक्षिण मुखी है। साथ ही आप ध्यान रखना कि ये जो गुफा है इसकी खोज 1910 में मिस्टर एंडरसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मिस्टर एंडरसन के द्वारा की गई थी। खोज उपरांत इस गुफा का प्रकाशन या पब्लिकेशन किसमें हुआ, तो 1918 में इसका पब्लिकेशन या प्रकाशन भारतीय पुरातात्विक रिपोर्ट में किया गया था। ठीक, किसमें किया गया था, भारतीय पुरातात्विक रिपोर्ट में इसका प्रकाशन किया गया था। क्लियर है यहां तक। जो सिंघनपुर की गुफा है, इस सिंघनपुर की गुफा से अगर हम अवशेष की बात करें, यहां पे हमको कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सिंघनपुर की गुफा से हमको पहला मिला है मानव की आकृति। क्या मिला है हमको, मानव आकृति मिला है। और ये जो मानव आकृति है ये दो प्रकार से है, एक तो है सीढ़ी रूप में। ठीक, कैसा है, सीढ़ी रूप में है, मतलब एक मनुष्य यहां पर आकृति बना हुआ है, दूसरे मनुष्य की आकृति ऐसे बना हुआ है, फिर तीसरा मनुष्य यहां पर आकृति बना रहा है, चौथा मनुष्य आपका यहां आकृति बना रहा है। तो ये किस रूप में बना हुआ है, सीढ़ी रूप में बना हुआ है। इसके अलावा जो मनुष्य की आकृति है वो डंडे के रूप में भी है, मतलब सिंगल सिंगल ऐसे मनुष्यों की क्या बनी हुई है, आकृतियां बनी हुई हैं। समझ में आ गया। इसके अलावा यहां पे हस्तचलित कुदाल मतलब हैंड एक्स यहां से प्राप्त हुआ है हमको। इसके अलावा यहां मर्मिड की भी आकृति मिली है, मर्मिड की भी आकृति आपको प्राप्त हुई है। कहां से, तो सिंघनपुर की गुफा से। समझ में आ गया, सिंघनपुर की गुफा से किसकी किसकी जानकारी, तो पूरा पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल की जानकारी। सिंघनपुर की गुफा का विस्तार कहां, तो रायगढ़ में। रायगढ़ के अंतर्गत किस पहाड़ी में पूछे, तो चंवर ढाल की पहाड़ी में।
और क्या जानना है आपको? तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का भीमबेटका हम इसको कहते हैं। इसके अलावा आपको क्या जानना है कि ये जो गुफा है इसका मुख कैसा है? तो दक्षिण दिशा की ओर है। खोज किसके द्वारा की गई? 1910 में मिस्टर एंडरसन के द्वारा की गई। और प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय पुरातात्विक रिपोर्ट में ये जो सिंघनपुर गुफा है ये प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेना कि ये जो गुफा है इसका अध्ययन 1923-27 के मध्य में अमरनाथ दत्त के द्वारा किया गया था। अमरनाथ दत्त, ठीक है, किसने अध्ययन किया था? तो 1923 से 1927 के मध्य में अमरनाथ दत्त के द्वारा क्या किया गया था? इसका अध्ययन किया गया था। और ये जो अमरनाथ दत्त हैं ये उस समय रेलवे इंजीनियर थे। क्या थे? रेलवे इंजीनियर थे। समझ में आ गया? सिंघनपुर गुफा के बारे में इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको CGPSC का जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें भी लिखने के लिए काम आएगा। ठीक, इन सभी फैक्टों को बना मिलाकर आप एक आंसर राइटिंग बढ़िया तैयार कीजिए और आंसर राइटिंग कर आप कमेंट बॉक्स पर मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए आप क्या कीजिए, एक बढ़िया सा अपना आंसर प्रिपेयर कीजिए और आंसर प्रिपेयर करके आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में उसको सेंड कर दीजिए। अभी तुरंत पढ़ते हुए नहीं करना है, अभी आप क्या करेंगे, पूरा फोकस आप अपनी पढ़ाई में करेंगे, लाइव कमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आपको जो भी चीजें चाहिए, जो भी यहाँ पर क्लास में चाहिए, क्लास में क्या अच्छा चीज चल रहा है, कुछ अगर आपको और इसमें ऐड करवाना है तो ये सारी सुझाव आप कहाँ पर देंगे? तो जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें देंगे। यहाँ लाइव चैट में आप ज्यादा चैट नहीं करेंगे, आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कीजिए। अगर लाइव चैट में ज्यादा आप फोकस रहेंगे तो आपकी पढ़ाई क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो लाइव चैट में क्या नहीं करना है, आपको ज्यादा कमेंट नहीं करना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा तभी क्या करेंगे आप लाइव चैट में, लाइव जो चैट चल रहा है आपका उसमें अपना आंसर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। समझ में आ गया? एक दूसरे से आपको बात नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, लाइव चैट में मैं जो पूछूंगा क्वेश्चन उसका सिर्फ आंसर देना है। बाकी जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि इसका क्या करना है, आपको एक आंसर राइटिंग करना है। और आंसर राइटिंग कर आप कहां पर भेजेंगे? तो कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। कमेंट सेक्शन में जिसका भी आंसर राइटिंग अच्छा रहेगा उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन करवाऊंगा। ठीक, तो फिर आप समझ जाना कि आपका आंसर राइटिंग अच्छा है। तो सब क्या करेंगे, जैसे ही ये क्लास खत्म होगा तो क्लास खत्म होने के बाद सिंघनपुर की जो गुफा है उसके संबंध में मुझको एक क्या लिखेंगे देंगे, आप एक नोट लिखकर देंगे। ठीक, क्लियर है? चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, सिंघनपुर गुफा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब सिंघनपुर गुफा के बारे में लगभग हमने सब चित्र पढ़ लिया है, तो आप क्या देख रहे हैं, इस गुफा से पूरा पाषाण काल और उच्च पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। बिल्कुल सत्य है, अभी हमने देखा कि सिंघनपुर की गुफा से पूरा पाषाण काल एवं उच्च पाषाण काल के क्या हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा, यह गुफा चवरढाल पहाड़ी पर स्थित है। कहां स्थित है? चवरढाल पहाड़ी पर स्थित है, यह भी कथन सही है, चवरढाल पहाड़ी पर स्थित है। तीसरा बोल रहा है, जलपरी के शैल चित्र इस गुफा में है, यह भी सही है, अभी हमने देखा जलपरी के शैल चित्र इस गुफा में है। चौथा क्या, इस गुफा का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में है, यह कथन भी सत्य है। मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, सभी कथन क्या है, सत्य है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सिंघनपुर गुफा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इन कथनों को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आंसर दीजिए। जब तक मैं क्या करता हूं, आपके चैट जो है वो पढ़ लेता हूं। ठीक, क्या बोल रहा है, सिंघनपुर गुफा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सिंघनपुर गुफा के बारे में आपने सब कुछ तो पढ़ लिया है, अब पढ़ लिया है तो आंसर भी आराम से आप दे सकते हैं। पहला क्या बोल रहा है, इस गुफा के शैल चित्रों का एकत्रीकरण लोचन प्रसाद पांडे ने किया। किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने किया। यह जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। ये जो गुफा है यहाँ पर जितने भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उनका अध्ययन किसने किया है? तो लोचन प्रसाद पांडे ने किया है। साथ ही लोचन प्रसाद पांडे के अलावा इन शैल चित्रों के एकत्रीकरण में एन घोष और डीएच गार्डन का भी क्या था, विशेष योगदान था। तो पहला कथन क्या हो जा रहा है, आपका सही हो जा रहा है कि इस गुफा के शैल चित्रों का एकत्रीकरण किसने किया है, लोचन प्रसाद पांडे ने किया है।
दूसरा कथन क्या बोल रहा है, इस गुफा की खोज 1918 में W.C.W. एंडरसन ने की। तो क्या 1918 में किया था क्या? नहीं, इसकी खोज कब हुई थी? 1910 में हुई थी। इसलिए क्या हो गया, ये दूसरा जो कथन है ये गलत हो गया। और आपको छाटना भी क्या है, असत्य कथन छाटना है। तो आंसर भी क्या हो जा रहा है आपका, आ जा रहा है आंसर क्या होगा आपका, बी। तीसरा कथन क्या बोल रहा है, 1910 में इस गुफा की खोज हुई, सत्य है। 1910 में क्या हुआ है, इस गुफा की खोज हुआ है। और डी क्या बोल रहा है, इस गुफा से मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। यह भी सही है, देखा था हमने। अब बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि कौन मानव की जो आकृतियां हैं वो किस किस रूप में प्राप्त हुई है, जल्दी बताएंगे लाइव चैट में आप। और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, लाइव चैट में नहीं रहना है। कहां पर ध्यान देना है, तो पढ़ाई पर ध्यान देना है, लाइव चैट में ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। अगला बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा समूह मध्य पाषाण काल से संबंधित नहीं है। कौन सा जो समूह है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित नहीं है, मतलब जो मध्य पाषाण काल के स्थल है उससे संबंधित नहीं है। पहला बोल रहे हैं कालीपुर, राजपुर, धनपुर, खड़ाक घाट, गढ़ चंदेला, घाट लोहान, कबरा पहाड़, गढ़ भोगर, भाते वाड़ा। इनमें से कौन सा जो समूह है वो मध्य पाषाण से संबंधित स्थलों से संबंधित नहीं है, ऐसा आपको पूछा जा रहा है। समझ में आ गया, तो ध्यान देना आप कि कालीपुर, राजपुर, धनपुर, हमने पढ़ा था जो धनपुर है गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के अंतर्गत, ये किस काल से संबंधित है, तो ये आपका उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है, उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। समझ में आ गया। इसके अलावा जो कालीपुर है, राजपुर, खड़ाक घाट, गढ़ चंदेला, घाट लोहान, कबरा पहाड़, गढ़ मोगर, भातेवाड़ा, ये सारे स्थल क्या हैं, मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। समझ में आ गया, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बोल रहा है कबरा पहाड़ के संबंध में कथनों पर विचार करें। कबरा पहाड़ के संबंध में कथनों पर विचार करने से पहले, इससे पहले जस्ट जो हम क्वेश्चन देखे अभी, उसमें जितने भी स्थल आपने देखे, ठीक, जितने भी स्थल आपने देखा, किसको छोड़कर, तो धनपुर को छोड़कर, बाकी जितने स्थल देखे थे आपने धनपुर और कबरा पहाड़ को छोड़कर, बाकी सभी स्थल कहां पर हैं, तो वो सारे के सारे स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित आपके बस्तर जिले में है। ठीक, कौन से जिले में है, बस्तर जिले में है। अगला कथन अब हमको क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, जो कबरा पहाड़ है, इस कबरा पहाड़ के संबंध में हमको कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है पंक्तिबद्ध मानव समूह की श्रृंखला प्राप्त हुई है। दूसरा बोल रहा है लाल रंग की छिपकली के चित्र बने हैं। तीसरा बोल रहा है लंबे फलक और अर्धचंद्राकार प्रकार के औजार मिले हैं। और चौथा बोल रहा है बोन टीला कबरा पहाड़ का हिस्सा है। और छाटने के लिए क्या बोल रहा है आपको, कि चौथा असत्य है, कि तीसरा असत्य है, कि तीन और चार दोनों असत्य हैं, कि सभी जो कथन हैं वो सत्य हैं। चलो जल्दी से आप अपना आंसर लगाओ इसमें। लगा लिया आंसर आपने, आंसर लगा लिया, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं पहले कबरा पहाड़ के बारे में, उसके बाद क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे कबरा पहाड़। कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ जो है, इस कबरा पहाड़ का विस्तार आपको पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, इसका जो विस्तार है वो रायगढ़ जिले में है। किस जिले में है, रायगढ़ जिले में। कबरा पहाड़ का विस्तार किस जिले में, रायगढ़ जिले में। कबरा पहाड़ से हमको किस काल की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो कबरा पहाड़ से हमको जानकारी मिल रही है मध्य पाषाण काल की, मिसोलिथिक एज की हमको जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है, मध्य पाषाण काल की जानकारी प्राप्त हो रही है। इस कबरा पहाड़ से लाल रंग के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लाल रंग के अभिलेख, ठीक, लाल रंग के अभिलेख। ऐसा नहीं है कि अभिलेख है, अभिलेख बनाया गया उसके बाद उसको लाल रंग से पेंट कर दिया गया, ऐसा नहीं है। जो कबरा पहाड़ है, उस कबरा पहाड़ के अंतर्गत जो पत्थर है, जो रॉक्स हैं, उनका कलर ही कैसा है, गेरुआ कलर, थोड़ा सा आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ पे जो पत्थर है उसके कलर कैसे हैं, गेरुए कलर के हैं, इसलिए क्या कहा जाता है,
लाल रंग के अभिलेख प्राप्त हुए हैं ऐसा कहा जाता है। अब लाल रंग में क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हमको, तो हमको छिपकली, घड़ियाल, सांभर, कुल्हाड़ी, ये सब पत्थर से बने हुए हैं। ठीक है, किससे बने हुए हैं? पत्थर से बने हुए। इसके अलावा यहां पंक्तिबद्ध मानव समूह की श्रृंखला भी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? पंक्तिबद्ध मानव समूह की श्रृंखला, पंक्तिबद्ध मानव समूह की श्रृंखला हमको यहां से प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुआ है? पंक्तिबद्ध मानव समूह की श्रृंखला प्राप्त हुई है। क्लियर है यहां पे? इसके अलावा आपको और क्या जानना है? तो यहां पर जो औजार हैं कवरा पहाड़ के अंतर्गत जो औजार हैं वो लंबे फलक वाले, लंबे फलक, लॉन्ग प्लैंक जिसको बोलते हैं आप, या लॉन्ग ब्लेड बोल सकते हैं, या दूसरा है अर्धचंद्राकार, क्रिसेंट टाइप, अर्धचंद्राकार, और लघु पाषाण। लघु पाषाण मतलब छोटे छोटे पत्थरों के क्या हुए हैं हमको यहां पर औजार प्राप्त हुए हैं। समझ में आ गया? चलो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कवरा पहाड़ के संबंध में कथनों पर विचार करें। क्या है कथन? पंक्तिबद्ध मानव समूह की श्रृंखला प्राप्त हुई है। सही है, यहाँ पर पंक्तिबद्ध मानव समूह की श्रृंखला प्राप्त हुई है। दूसरा क्या बोल रहा है? लाल रंग की छिपकली के चित्र बने हैं। बिल्कुल यह भी सही है, लाल रंग की छिपकली के चित्र बने हैं। अब ऐसा नहीं है कि चित्र बनाया गया छिपकली का और उसको क्या कर दिया गया, लाल रंग से रंग दिया गया, ऐसी सुविधा नहीं थी। क्या किया गया है? तो यहां पर जो पत्थर है उसके ही रंग कैसे हैं? लाल है, इसलिए छिपकली भी किस रंग की है? लाल रंग की है। समझ में आ गया? अगला, लंबे फलक और अर्धचंद्राकार प्रकार के क्या मिले हैं? औजार मिले हैं। यह भी सही है, हमने देखा कि लॉन्ग ब्लेड एंड क्रिसेंट टाइप के क्या मिले हैं हमको यहाँ पर, औजार मिले हैं। चौथा बोल रहा है गोल टीला कबरा पहाड़ का हिस्सा है। गलत, बोन टीला जो है ये कबरा पहाड़ का हिस्सा नहीं है। बोन टीला जो है वो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, और कबरा पहाड़ कहाँ है? तो कबरा पहाड़ आपका रायगढ़ में है। समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। चौथा क्या है? असत्य है। ठीक, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है नवपाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इन कथनों को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए, फिर मैं नवपाषाण काल आपको पढ़ाता हूं। लगा लिए आंसर आप? क्या बोला जा रहा है आपको नवपाषाण काल के संबंध में? पहला बोल रहा है अर्जुनी, चितवा डोंगरी, टेरम, बोनटीला प्रमुख स्थल नहीं है। दूसरा बोल रहा है नवपाषाण काल में ड्रैगन की आकृति प्राप्त हुई है। तीसरा बोल रहा है चितवा डोंगरी गुफा की खोज भगवान दास बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने की। और चौथा बोल रहा है चितवा डोंगरी गुफा से 27 शैल चित्र प्राप्त हुए। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो अर्जुनी है, चितवा डोंगरी है, टेरम है, बोनटीला क्या है, ये प्रमुख स्थल है। जैसे कि आप देखेंगे तो नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल इसके अंतर्गत बालोद, बालोद में क्या आपका अर्जुनी, ठीक, और इस बालोद के अर्जुनी नामक स्थान से चित्रित हथौड़े प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? चित्रित हथौड़े प्राप्त हुए हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, इस मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत जो चितवा डोंगरी है, इस चितवा डोंगरी से 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, कितने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और इन शैल चित्रों में ड्रैगन की भी आकृति है। किसकी आकृति है? ड्रैगन की आकृति है। इसके अलावा रायगढ़ का जो टेरम है और जो बोन टीला है वो भी क्या है? मध्य पाषाण काल के प्रमुख, सॉरी, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल है। ठीक, तो नवपाषाण काल में ड्रैगन की आकृति प्राप्त हुई है, यह कथन सही है।
चितवा डोंगरी गुफा की खोज भगवान दास बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने की। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। जो चितवा डोंगरी गुफा है इसकी खोज किसने की थी? भगवान दास बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र ने की थी। और चितवा डोंगरी गुफा में 27 शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो 27 शैलचित्र प्राप्त हुए हैं और उन शैलचित्रों में से किसकी आकृति भी है? तो ड्रैगन की भी आकृति है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमका? हमारा असत्य कथन हमको छांटना है। तो असत्य कथन क्या है हमारा? जो ए है अर्जुनी चितवा डोंगरी टेरम बोनटीला प्रमुख स्थल नहीं है, यह असत्य है। ये जो चारों स्थल हैं ये क्या है? नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस काल का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं रहा है? किस काल का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ से नहीं रहा है? पहला बोल रहा है आपको सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, दूसरा बोल रहा है सिंधु सभ्यता और ताम्रपाषाण काल की सभ्यता, तीसरा बोल रहा है सिंधु सभ्यता लौह पाषाण काल की सभ्यता और सभी संबंधित नहीं है, ये चौथा बोल रहा है आपको। तो आप पाएंगे कि जो आपकी ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है, ये ताम्रपाषाण काल की जो सभ्यता है ये छत्तीसगढ़ से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ताम्रपाषाण काल से संबंधित छत्तीसगढ़ में कोई भी साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन जो ताम्रपाषाण काल है उससे संबंधित तांबे का सिक्का वर्तमान मध्य प्रदेश के बालाघाट के अंतर्गत गुंगेरिया ग्राम से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? वर्तमान मध्य प्रदेश के बालाघाट के अंतर्गत गुंगेरिया ग्राम से प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया? तो ताम्रपाषाण काल क्या नहीं है? हमसे संबंधित नहीं है। साथ ही जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप देखें तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये हमारा भारत हो गया, लगभग भारत है, ऐसा ही दिखता है ना, जैसा भी दिखे अपना भारत, अपना भारत है। ठीक, तो ये जो भारत को आप देखेंगे, वर्तमान भारत को, तो वर्तमान भारत के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो उत्तरी बिंदु है वो कहाँ था? यहाँ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जगह क्या आपका? मांडा है ना, मांडा। जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक, सबसे दक्षिणी बिंदु की हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंतर्गत एक जगह है दैमाबाद। ठीक, क्या है जगह आपका? दैमाबाद। इसके पूर्वी बिंदु की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जगह पड़ता है जिसका नाम है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। और इसका पश्चिमी बिंदु था वर्तमान में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, उस बलूचिस्तान प्रांत में सुतकेन डोर या सुतका गे डोर, सुतकेन डोर या सुतका गे डोर, जो कि दास्क नदी के किनारे था। अब ये जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के स्थल है, अगर इनको हम क्या कर दें, एक रेखा में मिला दें, तो आपको मिलेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी आकृति कैसी थी? तो उसकी आकृति त्रिकोणाकार थी। कैसी थी? त्रिकोणाकार थी, ट्रायंगल शेप में थी, है ना। कैसी नजर आ रही है आपको आकृति? तो त्रिकोणाकार नजर आ रही है। अब वर्तमान के अंतर्गत आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ कहाँ है? इस एरिया में है, है ना। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है क्या? दोनों के मध्य जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार क्या छत्तीसगढ़ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका विस्तार भी क्या नहीं था? छत्तीसगढ़ तक नहीं था। साथ ही जो दूसरा पॉइंट आपने देखा था क्या, ताम्रपाषाण काल, तो ताम्रपाषाण काल का भी प्रत्यक्ष संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जो ताम्रपाषाण काल है उसको आप बोल सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित था? छत्तीसगढ़ से संबंधित था। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो किससे अलग होकर अलग राज्य बना? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना। तो जो ताम्रपाषाण काल है उसके साक्ष्य, जो तांबे के सिक्के हैं, वो हमको कहां से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश के बालाघाट के गुंगेरिया से प्राप्त हुए हैं। परंतु वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उस क्षेत्र में ताम्रपाषाण कालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं या ताम्रपाषाण काल का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सिंधु सभ्यता और ताम्रपाषाण काल की सभ्यता। इसके अलावा ये जो वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत, वैदिक सभ्यता को आप भारतीय इतिहास में दो भागों में बांट कर देखते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है क्या आपका? उत्तर वैदिक काल।
तो ऋग्वैदिक काल तक जो ऋग्वैदिक काल का विस्तार था वो छत्तीसगढ़ तक नहीं था, आर्य छत्तीसगढ़ तक नहीं आए थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य निवास क्षेत्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। सप्त सैंधव प्रदेश किसको बोलते हैं? तो सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र को बोलते हैं। मतलब वर्तमान भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक ही क्या था, आर्यों का निवास था या विस्तार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते तक जो आर्य थे वो कहां तक प्रवेश कर चुके थे, मध्य भारत तक आ चुके थे और छत्तीसगढ़ में भी उनका विस्तार हो चुका था। तो वैदिक सभ्यता क्या है, कहीं ना कहीं आप मान कर चले तो वैदिक सभ्यता छत्तीसगढ़ से संबंध रखती है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, सिंधु सभ्यता और ताम्रपाषाण काल की सभ्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है महापाषाण स्मारक की खोज किसके द्वारा की गई। महापाषाण जो स्मारक है इसकी खोज किसके द्वारा की गई। अब ये जो महापाषाण स्मारक है ये किस काल से है आपको पूछा जाए, तो ये लौह पाषाण काल से है, आयरन स्टोन एज से संबंधित है। महापाषाण स्मारक किस काल से संबंधित, तो आयरन स्टोन एज से संबंधित है, है ना। और क्या पूछ रहा है आपको, महापाषाण स्मारक की खोज किसके द्वारा की गई। तो जो महापाषाण स्मारक है इसके खोजकर्ता जे आर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र दोनों थे। कौन थे, जे आर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र दोनों थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों के द्वारा क्या की गई, महापाषाण स्मारक की खोज की गई। अब ये जो महापाषाण स्मारक है लौह पाषाण काल के अंतर्गत एक आपको पढ़ना है क्या, महापाषाण स्मारक और दूसरा आपको जानना है पाषाण घेरे। महापाषाण स्मारक क्या होता है, तो इस समय पाषाण काल के युग में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसको क्या नहीं किया जाता था, जलाया नहीं जाता था। जलाने की परंपरा इस समय तक शुरू नहीं हुई थी। मनुष्य की मृत्यु उपरांत क्या किया जाता था, मनुष्य के शव को दफना दिया जाता था। अब जब मनुष्य के शव को दफना दिया जाता था तो उस शव की रक्षा हेतु, रक्षा किससे, तो उस समय के जंगली जंतुओं से उस शव की रक्षा हेतु क्या किया जाता था, एक बड़े से पत्थर को उस शव के ऊपर क्या कर दिया जाता था, रख दिया जाता था। और वही पत्थर क्या कहलाते थे, महापाषाण स्मारक कहलाते थे। ठीक, अगला है पाषाण घेरा। तो पाषाण घेरा जो है जहां पर मनुष्य निवास करते रहता था, जहां पर उनका निवास था, जहां उनके घर होते थे, उस घर की सुरक्षा हेतु जंगली जंतुओं से, उस घर की सुरक्षा हेतु बड़े बड़े पत्थरों से क्या किया जाता था, उस घर में एक बाउंड्री बनाई जाती थी, एक घेरा बनाया जाता था, जिसे क्या बोला जाता है, पाषाण घेरा बोला जाता है। तो ये जो महापाषाण स्मारक आपको नजर आ रहा है, ये महापाषाण स्मारक बालोद जिले के धनोरा ग्राम से 500 की संख्या में प्राप्त हुए। ठीक, कितने प्राप्त हुए हैं, तो 500 प्राप्त हुए हैं क्या आपके, महापाषाण स्मारक। इसके अलावा जो आपका पाषाण घेरा है ये भी बालोद के अंतर्गत, कहां से, बालोद से, बालोद के अंतर्गत स्थान का नाम है चिरचारी। करही भदर, करका भाठा, और चिरचारी, करही भदर, करका भाठा, सॉरी, और एक है आपका सूरज। इन स्थानों से क्या प्राप्त हुए हमको, लौह पाषाण काल के अंतर्गत पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। इसमें से जो चिरचारी आपको स्थान दिख रहा है, यहाँ बहादुर कलारिन की माची प्राप्त हुई है। बहादुर कलारिन की माची प्राप्त हुई है। जल्दी बताएं आप, माची किसको बोलते हैं, अगर आपके घर में है तो हैंड राइज कीजिए लाइव सेशन में,
ठीक है, लाइव चैट के अंतर्गत आप बताइए कि माची किसे कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, बालोद जिले का चिरचारी, सोरर, करही भदर, करका भाटा क्यों प्रसिद्ध है? बालोद जिले का चिरचारी, सोरर, करही भदर, करका भाटा क्यों प्रसिद्ध है? तो अभी हमने देखा किस लिए प्रसिद्ध है ये, महापाषाण स्मारक, पाषाण घेरा, लौह पात्र और तांबे का सिक्का। तो अभी हमने देखा कि जो बालोद जिले का चिरचारी, सोरर, करही भदर और करका भाटा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पाषाण घेरे के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से 3 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से 3 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? पहला बोल रहा है साल्हे टेकरी, दूसरा बोल रहा है चारामा, तीसरा बोल रहा है सूतीपाट और चौथा बोल रहा है बोतलदा। जल्दी अपना आंसर लगाइए, क्या है क्वेश्चन आपका, किस स्थान से 3 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये जो साल्हे टेकरी आप देख रहे हैं यहां से क्या हुए हैं, 3 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण मतलब पत्थरों से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन आप देख रहे हैं चारामा, तो इस चारामा में कांकेर के अंतर्गत ये जगह, साल्हे टेकरी भी कांकेर में है और चारामा भी कहां पर, तो कांकेर में। इस चारामा से एलियन के प्रमाण मिले हैं, किसके प्रमाण मिले हैं, एलियन के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा जो आप सूतीपाट देख रहे हैं, इस सूतीपाट में एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ है जिसके हाथ में हल है, मतलब आप बोल सकते हैं किसका चित्र बनाया गया है, किसान का चित्र बनाया गया है जिसके हाथ में क्या है, हल है। साथ ही इस सूतीपाट नामक जगह से क्या मिलता है हमको, पशुओं की आकृति भी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो बोतलदा है, बोतलदा खरसिया ग्राम के अंतर्गत रायगढ़ में, वहां सबसे लंबी गुफा है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, क्या सबसे लंबी गुफा कहां, तो बोतलदा में। कहां है बोतलदा, तो रायगढ़ में। समझ में आ गया, 11 का बोल रहा है आपको, किस स्थान से 3 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, तो साल्हे टेकरी से। यही पूछ लेता कहां से एलियन के प्रमाण प्राप्त हुए, तो चारामा से। कहां पर किसान का चित्र बना हुआ है जिसके हाथ में हल है, तो सूतीपाट से। बोतलदा क्या है, तो बोतलदा एक स्थान है जहां पर गुफा है, जो कि क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में वैदिक सभ्यता के संबंध में कथनों पर विचार करें। किसके संबंध में, वैदिक सभ्यता के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन क्या बोल रहा है, ऋग वैदिक काल का विस्तार छत्तीसगढ़ तक नहीं था। दूसरा कथन बोल रहा है, उत्तर वैदिक काल में दक्षिण कोसल को दक्षिक या दिक कहा गया है। तीसरा बोल रहा है, उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है। असत्य कथनों की पहचान करनी है आपको, कौन से कथनों की पहचान करनी है, असत्य कथनों की पहचान करनी है। क्या बोल रहा है, केवल एक असत्य है कि एक दो असत्य है, दो तीन असत्य है, सभी असत्य है। तो देखते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ऋग्वैदिक काल के बारे में जब डिस्कस कर रहा था मैं, तो मैं क्या बोला कि जो ऋग्वैदिक काल है उसका विस्तार क्या नहीं था, छत्तीसगढ़ तक नहीं था। ऋग्वैदिक काल का विस्तार छत्तीसगढ़ तक नहीं था। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो आर्य थे उनका जो विस्तार है वो क्या नहीं हुआ था, मध्य भारत तक नहीं हुआ था। मतलब ऋग्वैदिक काल का विस्तार छत्तीसगढ़ तक नहीं था। ये जो कथन है ये क्या है, बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ तक नहीं था, है ना। इसके और क्या प्रमाण है, तो जो ऋग्वेद है हमारा, है ना, पूरे विश्व का सबसे पहला और प्राचीन ग्रंथ, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य और हिमालय पर्वत का उल्लेख नहीं है। ठीक, ये भी क्या करता है, इस कथन को प्रमाणित करता है कि जो ऋग्वैदिक काल है इसका विस्तार छत्तीसगढ़ तक नहीं था। दूसरा क्या बोल रहा है, उत्तर वैदिक काल में दक्षिण कोसल को दक्षिक या दिक कहा गया है। तो उत्तर वैदिक काल में दक्षिक या दिक शब्द का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन इसका प्रयोग दक्षिण कोसल के लिए नहीं बल्कि बस्तर के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, बस्तर के लिए किया गया है। दक्षिण या दिक किसको कहा गया है, तो बस्तर को कहा गया है। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत बस्तर को क्या कहा गया है, दक्षिण या दिक कहा गया है। और तीसरा कथन क्या बोल रहा है, उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जा रहा है, नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा जा रहा है।
तो उत्तर वैदिक काल में नहीं कहा गया है, इसको कहां पर कहा गया है? ऋग्वैदिक काल में कहा गया है। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो प्रमुख ग्रंथ है आपका ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के दसवें मंडल के नदी सूक्त में क्या है, 25 नदियों का उल्लेख है। इन 25 नदियों में से एक नदी क्या है आपका, नर्मदा नदी का भी उल्लेख है, जिसको रेवा नाम से उल्लेखित किया गया है। किसके नाम से उल्लेखित किया गया है, तो रेवा के नाम से उल्लेखित किया गया है। मतलब नर्मदा नदी को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा और तीसरा कथन क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है कि दक्षिण कोसल को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा गया है, बस्तर कहा गया। नहीं, बस्तर को क्या कहा गया है उत्तर वैदिक काल में, दक्षिण की अधिक कहा गया है। और तीसरा क्या, उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया? नहीं, उत्तर वैदिक काल में नहीं कहा गया है। कब कहा गया है, तो वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में कहा गया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन से असत्य कथन की पहचान करनी है हमको, तो दूसरा और तीसरा क्या है आपका, असत्य है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी, दूसरा एवं तीसरा क्या है, असत्य है। 13वां क्वेश्चन आपको बोल रहा है, राम वन गमन पथ के तहत कितने स्थानों पर भगवान राम की 25 फीट प्रतिमा स्थापित की गई है। क्या बोला जा रहा है, राम वन गमन पथ के तहत कितने स्थानों पर भगवान राम की 25 फीट प्रतिमा स्थापित की गई है, 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई बोला जा रहा है। तो राम वनगमन पथ के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी आपके करंट का टॉपिक है और लगातार राम वनगमन पथ से क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है आपको, कितने स्थानों पर 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो 8 स्थानों पर क्या किया जाएगा, 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि जो राम वन गमन पथ है उसके अंतर्गत प्रथम चरण में कुल 9 स्थानों को क्या किया गया है, चुना गया है, जिसको क्या किया जाएगा, भगवान राम के वनवास काल के दौरान जितने जितने स्थानों पर भगवान राम निवास किए थे उनमें से 9 स्थानों को उठाया गया है प्रथम चरण में, और उसको राम वन गमन पथ के तहत छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। इन 9 स्थानों में से जो एक स्थान है आपका चंदखुरी, चंदखुरी यहां पर भगवान राम की 51 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। कितने फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो 51 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। और बाकी जितने अन्य स्थान हैं, अन्य स्थान हैं, उनमें इन अन्य स्थानों में 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मतलब 8 स्थानों पर क्या किया जाएगा, 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब आप मुझे बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में कि राम वन गमन पथ के अंतर्गत जो प्रथम चरण में 9 स्थल चुने गए हैं, उन 9 स्थलों में से कौन कौन से स्थल हैं, इनको आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कर कमेंट सेक्शन में बताइए। राम वन गमन पथ के अंतर्गत जो 9 स्थल प्रथम चरण में चुने गए हैं, इन 9 स्थलों को आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमा कर आंसर अपना देना है। समझ गए, इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर 13वें का हो गया बी, है ना। 8 स्थानों पर क्या किया जाएगा, भगवान राम की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला बोल रहा है, किस नदी से महाभारत कालीन कर्ण एवं अर्जुन की मूर्तियां प्राप्त हुई है। महाभारत कालीन कर्ण एवं अर्जुन की मूर्तियां किस नदी से प्राप्त हुई है, ऐसा आपको पूछा जा रहा है। मनियारी नदी से, महानदी से, इंद्रावती से कि अर्पा नदी से। तो ध्यान में रखना, महाभारत कालीन जो कर्ण एवं अर्जुन है उनकी प्रतिमाएं मनियारी नदी से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है, मनियारी नदी से प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बोल रहा है, राम वन गमन पथ से संबंधित दंडकारण्य रामायण ग्रंथ की रचना किसने की। क्या बोल रहा है, राम वन गमन पथ से संबंधित दंडकारण्य रामायण ग्रंथ की रचना किसने की, जल्दी लगाइए आंसर। तो राम वन गमन पथ से संबंधित दंडकारण्य रामायण जो ग्रंथ है इसकी रचना मन्नूलाल यदु के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, मन्नूलाल यदु के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो
मन्नूलाल यदु के द्वारा की गई है। किसकी रचना? दंडकारण्य रामायण की रचना मन्नूलाल यदु के द्वारा की गई। साथ ही राम वनगमन पथ से संबंधित और कुछ अन्य ग्रंथ हैं, जैसे कि एक है आपका छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ, इसकी जो रचना है ये हेमु यदु के द्वारा की गई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिनका नाम है गीतेश कुमार अमरोहित। गीतेश कुमार अमरोहित जी के द्वारा राम वन गमन पथ से संबंधित छत्तीसगढ़ में राम राम वन गमन पथ राम वन गमन पथ और कौसल्या नामक ग्रंथ की रचना की गई है। कौसल्या नामक ग्रंथ की रचना की गई है और ये जो कौसल्या नामक ग्रंथ की रचना की गई है ये छत्तीसगढ़ी भाषा में है। किसके भाषा में है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा में है। समझ में आ गया? इन फैक्ट्स को आप ध्यान में रखना राम वनगमन पथ से संबंधित। साथ ही आपको क्या बोला गया है, राम वनगमन पथ के अंतर्गत जो प्रथम चरण में स्थल निर्धारित किए गए हैं 9, उनको आपको क्या करना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाना है। समझ गए? आज का जो ये हमारा क्वेश्चन था ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत महाजनपद काल में ही हम देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म तथा भारतीय राजवंशों का क्या क्या छत्तीसगढ़ में प्रभाव रहा, इस पर क्या करेंगे हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक क्या कीजिए, आप इन वीडियोस को बार बार देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अपनी CGPSC परीक्षा की जो तैयारी है उसको क्या कीजिए, सुनिश्चित कीजिए, उन तैयारियों को अपना एक नया आयाम दीजिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ हमारे टॉप MCQ सीरीज में, जिसमें हम क्या करा रहे हैं MCQ के माध्यम से ही आपके संपूर्ण CGPSC प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। और फिर से वही बात, अगर मेहनत हमारी पसंद आ रही है तो क्या कीजिए, उसको एप्रिसिएशन दीजिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, कमेंट और लाइक लगातार करते रहिए। धन्यवाद।